दार्जिलिंग में रथ यात्रा जब से ठाकुरवाड़ी की स्थापना हुई यहाँ इस शहर में जो 1914 उसके बाद से 1935 से इस रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ जो लगातार आज तक ये चलते आया है। बीच में विशेष कारणों से बीच में जैसे कभी कोई बंद वगैरह हुआ या कोई ऐसी स्थिति हुई उस समय ये रथ यात्रा नहीं निकली, पर पूरे लोगों का जो उत्साह और वो रहता है उसमें सब ने अपना योगदान दे के इस रथ यात्रा को कायम रखा है और लगातार चल रही है। ये क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? जो आपको सबको मालूम होगा जगन्नाथपुरी जो अपने पुरी में जो जगन्नाथ भगवान हैं वहाँ जो सब सुभद्रा बलभद्र जी हैं, तो इस समय आज के दिन जो प्रभु जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर जाते हैं और मौसी के घर जाके वहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं और उस विश्राम के बाद फिर वो लौट के आते हैं आज से 8 दिन बाद, यानी कि 9 तारीख को लौटेंगे। तो 8 दिन का उनका प्रवास होता है, उस प्रवास में वो जाके आराम करते हैं और तब तक मतलब पूरे 8 दिन तक उस मंदिर में जगन्नाथपुरी भगवान में लोग भजन कीर्तन उनको आराम उनका याद करके उनका ये करते हैं प्रार्थना करते हैं। और दार्जिलिंग में भी अब ये वापस हम लोग 8 दिन बाद इसको लौट के ले आएंगे और ये अपना पौराणिक काल से पूरे संपूर्ण विश्व में ये जगन्नाथपुरी ये जो पर्व है मनाया जाता है। उड़ीसा में विशेषकर उड़ीसा में इसका बड़ा महत्व है क्योंकि वही स्थापित हैं, उनकी बड़ी महानता है। उसी महानता के कारण हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले इस चीज़ को हम मानते आए हैं और आगे भी इसी तरह मानते रहेंगे। ये दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घुमाया जाता है? देखिए ये तो दार्जिलिंग शहर में आजकल तो परमिशन लेनी पड़ती है थाने से इसको घुमाने के लिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय रहता है। तो इसको हम यहाँ से विशेषतः अच्छा दिन मौसम हो बढ़िया हो तो थोड़ा लंबा इसको खींचते हैं, यहाँ से बस स्टैंड होते हुए यहाँ से जज बाज़ार होते हुए इसको भालू बिल्डिंग से लेके ऊपर चौरस्ते से माल रोड के क्लब साइड से घुमाते हुए एम पी रोड से इस तरह ला के फिर इसको बस स्टैंड से ला के यहाँ आके समाप्त करते हैं। हो रहा है आषाढ़ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के दूध के दिन होता है, उसके बाद वे 9 दिन में वे वापस आते हैं, वे बीमार रहते हैं इसलिए वे मौसी के घर जाते हैं, वहाँ से ठीक होकर के 9 दिन के बाद वे फिर वापस यहाँ आते हैं। और बहुत दिन से ये निकल रहा है, बहुत परंपरा से करके 1800 ईस्वी से ये चल रहा है, यहाँ हम लोगों का मंदिर में रथ बना हुआ है इसी को हम लोग घुमाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं घुमा कर कहाँ? बाजार ले करके वो अपने उनके मौसी के घर जाते हैं, वहाँ रहते हैं 8 दिन, 8 दिन रह करके 9वें दिन उसको ले करके यहाँ फिर मंदिर में वापस आते हैं। मेन कारण क्या है इसका, रथ निकलने का मेन कारण क्या है? वे बच्चा में मतलब कि वे बीमार होते हैं इसलिए वे जाते हैं। रथ यात्रा ये भगवान का रथ है, उन्हीं का ये पूजा किया जाता है, वही देख करके आस्था का प्रतीक है ये। आप रथ पे किसको निकालते हैं? सुभद्रा, जगन्नाथ जी और बलभद्र